हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस ए इज सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, मतलब हॉलो स्फीयर ऑफ थिकनेस 2a एंड मास 2m। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर विल बी चार्ज हो रखे। सोल्यूशन। सबसे पहले फिगर बनाइए, एक सॉलिड स्फीयर बनाओ जिसका मास m और रेडियस a है। एक मैंने ये सॉलिड स्फीयर बना लिया, ये सॉलिड स्फीयर है आपका, यहाँ पे मटेरियल है, इसका मास कैपिटल m है, ठीक है, और रेडियस इसकी a है, रेडियस a और मास कैपिटल है। फिर इसके सराउंडेड एक हॉलो स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल सेल है, जिसकी थिकनेस 2a है और मास 2m है, ठीक है। तो इसके सराउंडेड में ये आपका एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, ये इसकी थिकनेस का मतलब ये वाली थिकनेस आपकी कितनी है, 2a है, ठीक है। ये हॉलो स्फेरिकल सेल है आपका, इसके सराउंडेड, ठीक है। ठीक है, इसकी थिकनेस 3 हो गई। फिर कह रहा है इसका मास 2m है, इसका मास 2m है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a। तो देखो 3a तो a ये है और 2a ये है, तो 3a करीब करीब ये डिस्टेंस 3a हो गई, ये डिस्टेंस 3a हो गई। इस वाले पॉइंट पर ही ग्रेविटेशनल फील्ड हमसे पूछा है कितना है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से लिख दो, आई से लिख दो और जी से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही होती है, बट इस समय आई लिखेंगे क्योंकि हॉलो स्फेरिकल सेल भी दे रखा है इसमें, ठीक है, और 4 चॉइस दे रखे हैं ये। तो इस वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आई, इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द विल बी, सेंटर से पूछ रहा है। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कर सकते हो आप इसे, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो हमने 12th में पढ़ा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे कंपेयरिंग करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था हमने 12th में पढ़ते हैं हम। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये I बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू Q इनसाइड या इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेसेस, इसको बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता था बेटा। अब इसी को अगर हम गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहें, तो इस इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस, इस ये तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब इसकी जगह पे लिख लें ग्रेविटेशनल फील्ड आई इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी डॉट स्मॉल एरिया वेक्टर हो गया इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखे हैं, देखो यहाँ कंफ्यूजन रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हमें जी लिखना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे जी लिखना चाहिए। इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कैपिटल जी है, तो इसलिए इसकी जगह पे 1/0 की जगह पे 4 पाई g लिखना चाहिए। लेकिन हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो -kg लिखना चाहिए। रीजन, क्योंकि देखो जब आपका एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है तब अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे 2 मास के बीच में तो अट्रैक्शन ही, रिपल्सन तो होता ही नहीं है, और अट्रैक्शन वाले केस में एक प्लस का होता है, एक माइनस का चार्ज होता है, तब अट्रैक्शन था, इसीलिए -kg लिखेंगे। तो इस 1/ε0 की जगह पे हमें लिखना चाहिए माइनस का 4πg इंटू यहाँ पे लिखना चाहिए मास इनक्लोज्ड, ये जो मास गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारा गॉस का बन जाता है। सबसे पहले ये फॉर्मूला बनाना सीखिए आप, अब लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं बेटा, जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है वहां से ही पास करता हुआ एक क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं। तो एक क्लोज सरफेस मैंने इमेजिन कर लिया ऐसे, ये एक क्लोज सरफेस इमेजिन किया। उस पॉइंट से पास करते हैं जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, तो इसी वाले पॉइंट पर निकालनी थी, गॉसियन सरफेस बना ली। तो इसकी ए फाइंड आउट करनी मेरे को, तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस आई निकालना है ना। और आई की दर्शन जो होगी वो जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है, जिस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है उसके सेंटर की तरफ, इसीलिए इधर की तरफ होगी ऐसे आई। दिस इज द टर्सन ऑफ आई, क्योंकि आई इक्वल टू होता है वो F/m होता है बेटा। तो जो टर्सन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होगी वही टर्सन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की होगी, इसलिए आई की दर्शन ऐसे होगी, ठीक है। एरिया लिखें तो एक स्मॉल एरिया मान सकते हैं इस पर, ये ना। और एरिया की दर्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहरी तरफ दिखाते हैं, डीए। ये स्मॉल एरिया की है, एक स्मॉल सेगमेंट काट लो, उसके एरिया की दर्शन दिखा दी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहरी तरफ, तो डीए। और डॉट प्रोडक्ट खोला है इसीलिए एंगल कितना आएगा 180 डिग्री, इक्वल टू माइनस के 4πg। और मास इनक्लोज लिखना है तो इसके अंदर टोटल मास देखो, तो देखो इसका मास तो 2m है स्पेरिकल सेल का, और इसका मास कैपिटल है में क्वेश्चन में गिवन है, तो टोटल मास कितना हो गया? एक तो सॉलिड स्फीयर का मास हो गया ये प्लस, और ये 2m होगा, ये अंदर ही तो है इसके इनक्लोज। जो मैंने ये क्लोज सरफेस इमेजिन किया है उस क्लोज सरफेस के अंदर है बेटा, अंदर वाला मास कितना होता है कितना। आई तो निकालना है हमें, डीए का अगर हम इंटीग्रेशन करें, ये डीए कॉस 180 की वैल्यू -1 इक्वल टू माइनस के 4πg इंटू 3m ऐसे। अब डीए का इंटीग्रेशन करें तो डीए तो स्मॉल पार्ट का एरिया है, अगर इंटीग्रेशन करें तो इस पूरे जो क्लोज सरफेस इमेजिन किया रेड कलर से उसका टोटल एरिया आ जाएगा। और टोटल एरिया देखें उसका, तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है 4πr², उसकी रेडियस कितनी है 3a, इसीलिए टोटल एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने पर टोटल एरिया आ जाता है बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल एरिया, तो करने पर कितना जाएगा 4π रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है उसकी 3a, तो 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4πg इंटू 3 कैपिटल है, माइनस से तो माइनस कट गया और 4π से 4π कट गया, तो i इंटू 9a स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो गया 3g कैपिटल है, तो i इज इक्वल टू आ गया 3 से ये 3 काट दिया 3 बार, तो ये आ गया gm/3a स्क्वायर। एक तरीका तो यही है इसका ड्राइव करने सॉल्व करने का, ये आ गया बी चॉइस gm/3a स्क्वायर। कई जगह पर इस तरह से करके दिखाया गया हो आपको, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि लॉ कैसे बनाया, बड़ा आसान सा है, ठीक है। अच्छा एक तरीका, दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका करने के लिए आपको फॉर्मूले पर कंट्रोल होना चाहिए बेटा, कि सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड इनसाइड और सरफेस कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें, किसकी बात करें? सॉलिड स्फीयर। तो इसके अगर ये कोई सॉलिड स्फीयर है, ये मान लो इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और आउट ये इस जगह पे निकालना है स्मॉल आर, तो ये पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। तो पॉइंट ए जो कि आउटसाइड है, स्मॉल आर हमेशा सेंटर से लेंगे, कैपिटल आर इसकी रेडियस मानिए। अगर सॉलिड स्फीयर का मास कैपिटल एम है, तो इसका जो आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है आई, वो जी कैपिटल एम ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर यहाँ कैपिटल आर से बड़ा है। अगर बी पॉइंट पे निकालते हैं, दैट मीन सरफेस पे निकालते हैं, तो यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। सरफेस पहुंचे सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस हो जाएगी आई। स्मॉल आर हमेशा सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इसलिए आई बराबर gm/R स्क्वायर हो जाएगा। ये सरफेस पर हो गया पॉइंट बी, और अंदर निकालना है सी पॉइंट पर डिस्टेंस स्मॉल आर, ये हो गई है सी पॉइंट पर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर अगर है तो इंटेंसिटी होगी G कैपिटल M बाई R का Q इंटू स्मॉल r से सेंटर पर हो गया। ठीक है, और अगर यही हॉलो स्फीयर होता तो कहानी अलग होती। हॉलो स्फीयर अगर, हॉलो स्फीयर मतलब स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस r है और इसका मास कैपिटल M है, ऐसे तो इनसाइड आउटसाइड निकालते, आउटसाइड आउटसाइड यार ये आता है तभी वो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है बेटा, फॉर्मूला याद है कि नहीं? बहुत से बच्चों को नहीं याद होते हैं तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो आगे, है ना। आउटसाइड स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा, तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू जी कैपिटल एम ओवर आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आएगी। सेंटर से आउटसाइड पॉइंट निकालते हैं तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस आती है ना, और सरफेस में निकालते हैं तो सरफेस से सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर निकालते हैं क्योंकि अंदर मास नहीं है, अगर अंदर निकालेंगे तो अंदर इंटेंसिटी हर जगह पे जीरो होगी, इसमें केवल सेंटर पे जीरो होगी। सेंटर पे स्मॉल आर जीरो रख देंगे तो आई जीरो आ जाएगा, लेकिन अंदर जीरो नहीं है, देखो ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा, इनसाइड निकालेंगे तो इसमें एवरी पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो होगी। ये हॉलो स्फीयर के लिए, ये सॉलिड स्फीयर के लिए, ये दो फॉर्मूले अगर हमें याद है ना तो हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक लाइन में, यहाँ बताता हूँ ठीक है। सेकंड में था, अगर नेट इंटेंसिटी निकालनी है तो आई वन ड्यू टू सॉलिड स्फीयर प्लस आई टू ड्यू टू हॉलो स्फीयर, और डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगी तो इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी इसलिए ऐड हो जाएंगी। आई वन लिखें ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ है? इस वाले पॉइंट पे निकालना है ना मेरे को, नेट नेट तो इस वाले पॉइंट पे निकालना है और इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट सॉलिड स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड है, और आउटसाइड से सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस, और फॉर्मूला लगेगा आउटसाइड वाला ये वाला जी एम बटे आर स्क्वायर। तो जी इसका मास है कैपिटल एम और डिस्टेंस है आउटसाइड तक की डिस्टेंस है 3a, उसका आर स्क्वायर प्लस। हॉलो स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहाँ है? सरफेस पर है, और सरफेस पे है तो हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा, हॉलो स्फीयर का सरफेस वाला फॉर्मूला, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस आती है और स्फीयर का मास आता है। तो जी हॉलो स्फीयर का मास है जो 2m है और डिस्टेंस सरफेस तक की जो है वो 3a ही है, उसका हॉलो स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो जी एम बाई 3a का तो हॉलो स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचा यहाँ 2 बचा तो ये 3 हो गया, तो ये जी एम बाई 9a स्क्वायर इंटू 3 से 3 काट दिया तो जी एम बाई 3a स्क्वायर आया वही है। देखो ये ऐसे भी कर सकते थे, इतने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फॉर्मूले पर कंट्रोल होगा तो बड़ा आसानी से हो जाता है ये वाला। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।